नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंततः यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 संपन्न हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया होगा और अब आप लोगों की जिज्ञासा जो है एंसर की को लेकर के काफ़ी बढ़ गई होगी। साथ ही साथ इस बार का पेपर किस प्रकार से आया इसकी भी जिज्ञासा जो है आपके मन में होगी और कई चीज़ें इस बार जो है अलग देखने को मिली। जैसे अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इस बार पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा। अगर 2018 से इसकी तुलना करें तब तो बहुत ही अधिक इस बार जो है पेपर डिफ़िकल्ट रहा। उसके अलावा एक दो नई चीज़ें ये देखने को मिली कि यूपी स्पेशल यानी यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहे और जनगणना से जो क्वेश्चन रहे उसे एकदम इग्नोर कर दिया गया। उस सेगमेंट से प्रश्न बनाए ही नहीं गए, जबकि पहले 8 से 10 क्वेश्चंस इन सेगमेंट से बनाए जाते थे। उसके अलावा जो है अगर हम हिस्ट्री में दोनों की बात करें या नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अलावा मेडविल, उसके अलावा एंशियंट, तो इन सबसे मिला करके केवल और केवल हिस्ट्री से करीब करीब जो है 25 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिए गए हैं, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। तो हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चंस उठाए गए, पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चंस उठाए गए और उसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट को हम छोड़ दें तो एंशियंट और मेडविल से जो प्रश्न पूछे गए उसमें से कुछ काफ़ी कठिन थे। इन जनरल रीडिंग से उसका उत्तर देना संभव नहीं था। पॉलिटी में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले जिनका उत्तर देना जो है काफ़ी मुश्किल था। उन सबको जो है हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबके लिए ये पेपर मुश्किल था और काफ़ी लोग काफ़ी तरह की बात कर रहे हैं कि यूपीएससी के पैटर्न पर पेपर चला गया, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल मानना है कि उस तरह का कोई पैटर्न नहीं गया। फैक्ट को ही थोड़ा सा जो है और डिफ़िकल्ट बना दिया गया। हालांकि कई क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिले जिसमें कि उसका ऑप्शन तो देखने पर काफ़ी कठिन लग रहा था लेकिन असल में वो क्वेश्चन बहुत आसान था। और ये इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जो है करीब करीब जितना मैं पेपर देख पाया तो उसमें जो है ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन जिन सेगमेंट्स को मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ उनमें होंगे, यानी हिस्ट्री, यानी पॉलिटी, यानी जो है इकोनॉमी, इस तरह से इन सेगमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम जो है एक क्रम से क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे, उत्तर उनका समझेंगे और उसके अलावा जो है अगर उसमें कोई ट्रिक रही होगी तो वो भी हम देखेंगे। तो ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहले करंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो आईएमएफ के 9 नियुक्त प्रबंधक निदेशक हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जैसा कि आप जानते हैं ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसका उत्तर है। ठीक है, अगला, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु आरंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है लक्ष्य प्रतिभा ध्रुव परिवर्तन। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी, ध्रुव। अब ये जो है मैंने बाकायदा जो है इसे पढ़ाया था, तो करेंट अफेयर्स में जो 2.5 घंटे का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था आप अभी भी जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने अलग अलग सेगमेंट की बात की। इकोनॉमी के लिए अलग बनाया था, उसके अलावा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ऐसे करके अलग अलग करके हमने जो लेक्चर्स बनाए थे हमें, मतलब आप जाके देख सकते हैं, अभी भी चैनल पे पढ़े हैं। केवल उसी 2 घंटे के लेक्चर से जो है करेंट अफेयर्स के लगभग 90% सवाल पूछे गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है ध्रुव। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए जब इंटरनेशनल इशूज को हम डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स में तो उसी में थॉमस कुक को भी हमने जो है शामिल किया था और मैंने बड़े स्पष्टता से बताया था उसके बारे में काफ़ी चीज़ें, जिसमें हमने ये भी बात की थी कि जब ये कंपनी बंद हुई तो इसके 6 लाख पर्यटक विभिन्न देशों में फंस गए। ठीक है, तो ये थॉमस कुक जो है ये तो ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो ए का तो 4 होगा,
देखिए एक ट्रिक समझिए, अगर ए का 4 है तो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया, तो अब बचा आपके पास बी और डी, तो बी और डी में से कोई एक जो है सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नाम बहुत चर्चा में रहा इस साल जो है ग्रेटा थनबर्ग का, ठीक है। तो ये पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जो है, हाउ डेयर यू ऐसे करके इनका काफी चर्चित हुआ, अभी उसी लेक्चर में हमने बड़े डिटेल में इनके बारे में भी बात की। तो बी का तो होगा 3, और अगर बी का होगा 3 तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यही इसका जो है उत्तर होगा, ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए अब ये एक मुश्किल सवाल हो गया, कितने साल के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का नाम लोग याद करें, और इस बार जो है भारत के अभिजीत बनर्जी को नोबेल मिला इकोनॉमी का, और उनके पत्नी के साथ मिला। अब ये पूछ रहा है कि नोबेल का पुरस्कार अभी तक 2 लोगों को मिला है, एक तो हम जानते ही हैं, लेकिन पहली वो कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये चौथे का जो है उत्तर है डी, ठीक है, एलिनार ओस्ट्रॉम इनको मिला था। ये एक मुश्किल प्रश्न जो है माना जाएगा निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है, 2019-35, 2019-29, 2019-2022, 2019-2024, तो इसका उत्तर है बी, 2019-2029, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवें का बी, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, वाराणसी, नई दिल्ली, मैसूर, शिमला, तो इसका उत्तर है मैसूर, यानी 6 का बी। अगला, भारत द्वारा भूमि क्षरण तथास्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए अब ये जो है ये 16 जून 2017 ये पीआईबी की एक खबर थी उस दिन की, ठीक है, और उसमें और अन्य जगहों पर बहुत इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, ये एक मुश्किल प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर है 2030, यानी सातवें का भी उत्तर जो है 2030 है, ठीक है, यानी बी है। तो हम देख रहे हैं पांचवें में भी बी, छठे में भी बी और सातवें में भी बी, तो ये एक जो है ट्रेंड दिख रहा है। अगला, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो चंद्रयान 2 के बारे में भी हमने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शीर्षक से जो लेक्चर बनाया था उसमें हमने इसमें बात कर की थी, ठीक है, तो GSLV मार्क 3, ठीक है। अब इसमें M1, M2, M8, M4 इन जनरली जब हम बात करते हैं GSLV की तो मार्क 3, मार्क 2 ऐसे बात करते हैं, उसके आगे की नंबरिंग नहीं होती, तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने का प्रयास किया गया था, हालांकि GSLV मार्क 3 से ये गया था, तो इसलिए आठवें का उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ, यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। तो देखिए इसके बारे में दोनों वाक्य जो है सही है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने इसका उद्घाटन किया, काफी बड़ा चरखा ये बनाया गया है और ये जो है प्लास्टिक कचरे से ही बना है और इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया, तो इसलिए 9th का उत्तर है सी, यानी 1 और 2 सही हैं। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें ए को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ADG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें जो है
ए और बी को लेकर के निश्चित रूप से कन्फ्यूजन है, तो आप भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमारे तरफ से इसका उत्तर जो है बी। आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को हमने बड़ा, जब वो आया रिपोर्ट नहीं तो हमने बड़े विस्तार से उसमें बात किया, मैप वगैरह सब बताया था कि इसमें कुल तीन संकेतक होते हैं, उन तीन संकेतकों में 10 आयाम होते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है, जीवन स्तर में बहुत सारी चीज़ हैं, आपके ऊपर छत है कि नहीं है, खाना घर में कैसे पकता है, बहुत सारी चीज़ें, पेयजल की सुविधा है कि नहीं। तो इसका उत्तर है 31 का 1, 2 और 3, ये तीनों। इसीलिए जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को जो है सबसे अच्छा प्रामाणिक माना जाता है निर्धनता के माप करने वाले सूचकांक से, ठीक है। तो 31 का उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान में वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें, तो यह निश्चित रूप से है कि इस तरह का विकास जो है जिससे आगे भी चीजें जो है बढ़ती जाएं और केवल जो है उसका विनाश न हो, इस तरीके से जो है जिस प्रकार से मधुमक्खी फूलों से रस को चूसती है, ठीक है, तो फूल उसी तरह खिले हुए दिखते हैं और मधुमक्खी का भी काम हो जाता है, तो उसी प्रकार से जो है इसकी बात की जा रही है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सतत विकास से प्राय ऐसे विकास से है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टैकल करेंगे ए भी, लेकिन इसका उत्तर जो है ए, ठीक है। थोड़ा ये कथन और कारण में उत्तर खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया, मनरेगा पहल एनएसपी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर है पहल, ठीक है, बी, बी को जो है माना गया है, तो 37 का उत्तर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है, हैं, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, बिल्कुल करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, तो ऐसी व्यवस्था जो है निश्चित रूप से की गई है, इसके लिए 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को और उनकी माताओं को जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन की भी व्यवस्था, तो ये भी है। 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है जो है महिला सशक्तिकरण को देखते हुए, तो इसमें उत्तर होगा सी, 1, 2 और 3, यानी सारे ही सही हैं, तो 38 का सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, यानी उनको जमीन दी जा रही है तो जमीन उनके पास रहे, ये बताइए आप जो है कि आज है कल नहीं रहे, ऐसा नहीं हो, उनको बताइए कि कब तक रहेगी। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तो ऐसा भी किया गया आज़ादी के बाद जो है, जो पट्टेदार थे वो मालिक बना दिए गए, तो डी, 1, 2, 3, तो 39 का, ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है, 39 का उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्स, तो ये निश्चित रूप से करना, टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, तो ये नहीं, टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल एंड सेक्टोरल ग्रोथ, टू परस्यू इलिगेट्रियन गोल, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अब एक टफ क्वेश्चन था, और टफ नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख रहे हैं, ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है कि इसमें केवल और केवल एक बात पूछा जा रहा है, और वो ये पूछा जा रहा है कि जो ये जरीब है इसको आप जानते हैं कि नहीं, कि ये एक नापने की इकाई है। ठीक है, जरीब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है दूरी को। ठीक है, तो ये कर नहीं है। अगर आपको इतना पता है, जरीब के बारे में पता है, जो कि अमूमन सबको पता है, तो इसका उत्तर आपको पता चल जाएगा कि 52 का उत्तर है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से जो है इस पे हम बात करते हैं, तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो आप जैसा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पहले ही नजर में यह पता चल गया होगा कि यह प्रश्न कठिन प्रश्न हो गया। अब इतना नहीं पता है, ठीक है, दामोदर कवि का कुछ लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा, मुल्ला दाऊद का नाम पहली बार सुना होगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा, लेकिन एग्जामिनर जो है आपसे ये सब जानना ही नहीं चाहता है। ना तो दामोदर कवि के बारे में जानना चाहता, ना तो मुल्ला दाऊद के बारे में जानना चाहता, ना तो सोमनाथ के बारे में वो जानना चाहता है। वो केवल और केवल जो है अमीर खुसरो के बारे में जानना चाहता है, और अमीर खुसरो जो है बहुत मध्यकालीन के जो है बहुत नामी कवि लेखक। तो ऐसे में जो है इनकी, अमीर खुसरो की एक कृति है जिसका कि नाम है आसिका, हालांकि ये बहुत फेमस नहीं है, आसिका, जिसमें कि जो है खिज्र खां और देवल रानी के प्रेम संबंधों की बात की गई है, अलाउद्दीन के पुत्र के। तो अगर आपको ये पता है कि अमीर खुसरो की एक कृति है आसिका, तो आपको उत्तर मिल गया। तो आप देखिए, डी का अगर सेकंड है, अगर डी का सेकंड है, तो अब सेकंड कहीं नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे कहना है कि बी इसका उत्तर है। तो मुश्किल तो प्रश्न दिख रहे थे, लेकिन काफी ऐसे प्रश्न थे जो कि एकदम बेहद आसान थे। उसमें इस क्वेश्चन में केवल और केवल ये जानकारी चेक की जा रही है कि अमीर खुसरो की कृतियों के बारे में आपको पता है कि नहीं, और है तो कितना पता है। और अगर ये पता है तो फिर आपको कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं, आपका उत्तर आ गया। तो 53 का उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ठीक है, तो तानसेन जी ग्वालियर के थे, ग्वालियर के राजा ने भी उन्हें संरक्षण दिया था, लेकिन अकबर के सेवा में जाने से पूर्व जो है करीब 10 वर्षों तक जो है भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने जो है इन्हें शरण दी थी। ठीक है, मतलब उनके राज्य में ये रहे। तो 54 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 55 काफी सुमेलित प्रश्न इस बार आए हिस्ट्री में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ तो राजवंश है, और दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित स्थानों का उल्लेख किया गया है। अब इसमें क्या है कि अगर हम ऑप्शंस को देखें तो थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा इसका उत्तर निकालना, लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ते हैं और दक्षिण की बात करते हैं तो पांड्य राजाओं की बहुत बात होती है। ठीक है, महाभारत में भी इनका उल्लेख है, काफी प्राचीन राजवंश माना जाता है, पांड्य पांड्य पांड्य, तो वहां से एक शब्द निकलता है। यहां पूछना क्या है, देखिए ये और किसी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये केवल और केवल ये पूछा जा रहा था कि पांड्य मदुरे पर शासन करते थे, ये क्या आपको पता है? अगर आपको ये पता है कि पांड्य मदुरे पर शासन करते थे, जिसे मदुरा, मदुरे, यहाँ मदुरा लिखा है, मदुरई, कई नामों से जाना जाता है, तो अगर आपको पता है कि पांड्य मदुरा पर शासन करते थे इतना, और आपको कुछ नहीं पता है, तो बी का 3 यानी जो है आपका उत्तर यहाँ निकल गया। तो अगर आपको ये पता है कि पांड्य मदुरा के शासक थे,
तो आपको ये कोई जानने की जरूरत नहीं है कि काकतीय, वारंगल, यादव देवगिरी और पल्लव कांची, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपसे केवल और केवल यही पूछा जा रहा है कि पांडे और मदुरा जानते हैं कि नहीं आप, अगर या क्योंकि ये ज्यादा इन जनरल हम लोग जानते हैं, इनकी बात होती है। तो 55 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं 56। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में काफी मजेदार रहे, तो अब आए देखें। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, अभी तक क्या था कि शासक पूछेगा, उसके काल को पूछ लेगा कि वो किस टाइम पीरियड में रहा, कोई जो है साम्राज्य किस पीरियड में रहा, यहां तक प्रश्न ठीक है। लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है कि स्मारकों को कालानुक्रम में, अब ये देखने में पहले नजर में ही काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ में आता है कि अब स्मारकों का भी क्रम याद किया जाए। लेकिन इस प्रश्न को भी आप देखें और इसके ऑप्शंस को देखें तो इस प्रकार से जो है ये बनाया गया। तो रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और अटाला मस्जिद जौनपुर। तो मान लीजिए अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हमको ये तो पता ही है कि शेरशाह सूरी पहले ही हुमायूं से चला गया, ये तो निश्चित रूप से पता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुमायूं से पहले हो गई, क्योंकि फिर जो है हुमायूं का कब्जा हो गया, इतना तो हमें इन जनरल पता है। तो शेरशाह का मकबरा निश्चित रूप से पहले बनेगा, इनके जीवन में ही बना था, शेरशाह के जीवन में ही। तो पहले ऑप्शंस को चाहे हम जो माने, लेकिन हमें यहाँ ये तो मानना ही चाहिए कि शेरशाह सूरी के बाद जो ही है हुमायूं आएंगे, यानी सेकेंड के बाद ही थर्ड आएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि कहाँ पर जो है सेकेंड के बाद जो है थर्ड आ रहे हैं, देख लें आप सेकेंड के बाद थर्ड कहाँ आ रहा है, केवल देखिए केवल लॉजिक है, मुझे नहीं उत्तर पता कि कहाँ क्या होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बी में सेकेंड के बाद थर्ड आ रहा है, ठीक है। पहले कौन है नहीं है ये पता नहीं है। अटाला मस्जिद जैसे कि मुझे पता है कि सरकी काल में बना, सरकी काल जो है सल्तनत काल से के समय का है, तो अटाला मस्जिद निश्चित रूप से जो है सबसे पहले बनेगी, ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता है अटाला मस्जिद और रबिया दुर्रानी, तो हमें केवल और केवल जो है ये पता है कि नहीं, शेरशाह सूरी का मकबरा, मकबरा मरने पे ही बनता है, हुमायूं बाद में मरा, एक लॉजिक। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा रहा, शेरशाह सूरी की मृत्यु पहले हुई तो वो पहले होगा, तो इसका मतलब है कि थर्ड से सेकंड फर्स्ट आएगा, ये थर्ड पे ऑप्शन है, तो पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा। तो आप देखिए कहां, यहां सेकंड आ रहा तो फोर्थ आ जा रहा है, यहां सेकंड ऐसे देखिए, तो ये हालांकि अटाला मस्जिद पहले बनी और रबिया दुर्रानी यानी औरंगजेब की बीबी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, तो ये बहुत बाद में बना, ये सारे कालखंड जो है अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल सकते थे, एक प्रयास जो है हम निश्चित रूप से कर सकते थे और वो प्रयास कामयाब होता तो दिखा। अगला, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, बिल्कुल थी, और जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, बिल्कुल अकबर ने ही प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था, सम्राट जो है मनसबदारों की नियुक्ति करता था, हटा भी सकता था, मृत्यु के बाद मनसबदारी का दावा अपने आप भी हट जाता था। तो इसका मतलब है कि केवल एक सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, तो 57 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अभी तक जो हम लोग ट्रिक का प्रयोग कर रहे थे वो फिर यहां प्रयोग करके देखते हैं कि क्या हम लोग जो है उस ट्रिक के तहत इसे भी हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इलाहाबाद की जो संधि थी वो 1765 में हुई थी, ठीक है। दो अलग अलग संधियां इलाहाबाद में हुई, एक अवध के नवाब से और एक मुगल सम्राट से।
और क्लाइव के बीच में जहां उसे दीवानी मिली, तो ए का तो फोर है, ये तो तय। तो अगर ए का फोर है ये हमने तय कर लिया, तो बी चला गया, बी चला गया और डी चला गया, तो हमेशा चार से भले दो, तो हमने दिमाग लगा करके चार को क्या कर दिया, दो कर दिया। अब जब दो कर दिया तो अब आगे हम बढ़े, तो मंगलौर की संधि काफी प्रसिद्ध है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बाद 1780 से 84 तक चला, उसी के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा, मंगलौर की संधि हुई 1784 में, ठीक है। तो अब क्या काम हो पा रहा है, इन दो इंफॉर्मेशन से हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया, तो बी का टू, तो बी का टू दोनों में है। देखिए इस इंफॉर्मेशन से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी रुकने लगी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आपको सब ऑप्शंस की जानकारी होनी चाहिए, तीन ऑप्शन होगा तो चौथा अपने आप हो जाएगा, तो तीन ऑप्शन तो जानना ही चाहिए, यह ऐसा एग्जामिनर कह रहा है। तो अब सालाबाई की संधि को पकड़िए 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, ठीक है। तो सी का वन होगा, तो सी का वन यहां है, तो इसका मतलब है कि उत्तर आपका जो 58 का होगा वो सी होगा। और इलाहाबाद की संधि को अगर पकड़ के हम ऑप्शंस को देखें, जैसा कि इलाहाबाद की संधि थोड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद हुई बड़ी संधि थी, इसी संधि ने जो है एक व्यापारी से अंग्रेजों को भारत में शासक बना दिया, तो ये उम्मीद की जाती थी कि इसी से देखा जाए। तो अगर इस पैटर्न से हम चलें तो निश्चित रूप से एग्जामिनर ये चाहता था कि आपको सब पता है कि नहीं, एक से गाड़ी बढ़ने वाली नहीं थी, कम से कम तीन तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। और तीन पता होगा तो इसका मतलब सब पता है। अब आगे बढ़िए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब इसमें जो है किस प्रकार से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर या स्थगित करके गांधी जी गोल में सम्मेलन में भाग लें, इसलिए गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। तो ये पहले होगा और ये इसके बाद होगा, और इसी सम्मेलन के बाद जो है सांप्रदायिक पंचांट आ गया, जिसमें कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रोलर की बात होगी, जिसके बाद महात्मा गांधी अनशन पे चले गए। तो पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, और क्रिप्स मिशन सबसे बात की चीज है। तो अगर मान लीजिए ये आपको पता हो ना पता हो कि पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपको नहीं क्लियर हो, लेकिन ये क्लियर हो कि ये जो है 1930 के आसपास की घटनाएं हैं, लेकिन क्रिप्स मिशन तो इसके बहुत बाद की चीज है। तो अगर आपको ये पता हो कि क्रिप्स मिशन बहुत बाद की चीज है, तो आप इस ऑप्शन को हटा लेंगे और इस ऑप्शन को हटा लें, तो दो कर लेंगे आप अगर इस तरीके से दिमाग लगाए। हालांकि जो है इसका उत्तर होगा सी, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना पैक्ट और अंत में क्रिप्स मिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो एक नया प्रांत उड़ीसा बिहार और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम को मिला के एक नया प्रांत बना दिया गया, बंगाल विभाजन जिसे कहा, जिसकी राजधानी थी ढाका। तो इसमें जो है बी एक और दो दोनों सही हैं, तो 60 का दोनों सही हैं, बंगाल विभाजन से प्रश्न। अगला, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी आर फार्मूला किसने बनाया। अब ये एकदम आसान क्वेश्चन है, नाम भी ले रहे हैं सी राजगोपालाचारी, सी
सीआर फार्मूला, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, तो इसका उत्तर है बी सी राजगोपालाचारी फार्मूला। ठीक है, तो 61 का बी ये एकदम बेहद आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे, तो अब ये एक कठिन प्रश्न है और इस प्रश्न में आपका दिमाग भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है छोड़े ही जा सकते हैं, क्योंकि 150 में कितने आपको करने हैं, 150 में 120, 110 उतना नहीं, तो 100 से भी काम चल जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब प्रश्न किया ही जाए, ये थोड़ा जो है प्रश्न कठिन है, हालांकि उसका उत्तर है डी बिपिन चंद्र। आगे बढ़ते हैं 63 पे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं, तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, और देखिए ये प्रश्न बनाने का जो है जो आइडिया है वो देखिए, कई प्रश्न पूछे जाने की शैली ही गलत हो जा रही है। अगर जो है ये केवल केवल शब्द आपने प्रयोग किया तो सी कैसे सही हो जाएगा, हालांकि है दोनों में, डीपीएसपी में भी बात की गई है और मौलिक कर्तव्यों में भी इसकी बात की गई है, तो इसका उत्तर है ए और बी, लेकिन यहां पर केवल केवल शब्द का प्रयोग, तो 63 का सी उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, हैं 50% सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो जो है एक तिहाई का मामला है और सभी वर्ग के लिए। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा जो है सही है ये पूछा जा रहा है। तो महिलाओं के लिए तो 50% नहीं है, ये तो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अब 2 एंड 3 और केवल 3 की बात जो है हो रही है, तो मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। यहां पर यह भी जिक्र नहीं किया जा रहा कि क्षेत्र पंचायत होगा कि जिला पंचायत होगा, मध्यवर्ती स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगा। ठीक है, ब्लॉक समिति होगी, अब यहां पर उसकी बात जो है नहीं की जा रही है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा कि क्षेत्र पंचायत होगा, ऐसा कुछ स्पष्टीकरण जो है लिखना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से जो है इस प्रश्न में उस तरह की चीजें नहीं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिए सामाजिक आंदोलन की बात की जा रही, हालांकि ये जो संगठन है जिसके नाम से ही आप समझ रहे हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये मजदूर और किसानों के हित में काम करने वाला संगठन है, लेकिन इन लोगों ने काफी लंबा आंदोलन चलाया जो है RTE एक्ट को लेकर के, तो उस आंदोलन से ये लोग संबद्ध हैं, तो 65 का उत्तर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़े। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, अब ये भी प्रश्न आप देखें तो बेहद मुश्किल प्रश्न है, यह आसान प्रश्न नहीं है, ऐसे प्रश्न जो है छोड़े जाने लायक ही हैं, इनका उत्तर बड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उपरोक्त सही, तो देखिए यहाँ तो 66 का इसका उत्तर सी है, हालांकि ये एक मुश्किल प्रश्न है, इसका जो है ध्यान रखिए। अगला, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, हु सेड इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल स्टेट। ठीक है, तो आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, एजे लास्की, केसी वियर ने जो है ये बात की थी, तो 67 का जो है डी। अगला, अब देखिए ये करंट से जुड़ा हुआ जो है एक पॉलिटी के ही प्रश्न के रूप में इसे हम रख सकते हैं, लेकिन ये करंट से जुड़ा हुआ, ठीक है, इसे भी देखिए बहुत आसान है, हालांकि देखने में मुश्किल लग रहा है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए,
तो कौन सी घटना कब हुई, यही जो है पूछा जा रहा है। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में आप जानते हैं तो आज़ादी के तुरंत बाद ही कबीलाई हमला हो गया कश्मीर पर, ये अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। तो जो है अक्टूबर में 47 में महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए, तो ये तो पहली घटना है। अगर ये आपको पता है कि ये पहली घटना है, मतलब इन चारों में ये पहले हुआ, तो आप इतना समझ लें कि ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए आपके। अब क्या बचा, अब बचा ए और बचा सी। अब पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ अब इसमें से, और जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय का अनुमोदन किया। इन दोनों का उत्तर अगर आप ढूंढ लेंगे तो इसको क्रैक कर लेंगे, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा इसके लिए ज्ञान की जरूरत है, ऐसे ये नहीं ढूंढा जा सकता। तो भारत का संविधान पहले लागू हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भारत के विलय को माना, तो 54 में माना, और सबसे अंत की घटना जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का लागू होना है। तो अगर मान लीजिए आप इसमें नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, तो आप अगर ये जानते कि ये सबसे बाद में हुआ है, अगर ये आपको सूचना होती, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये लास्ट में होगा, तब भी आप उत्तर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, इस तरीके से जो है प्रयास करने पे जो मैं बता रहा हूँ 10-12 क्वेश्चंस अच्छे किए जा सकते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन फिर भी दिमाग लगा के तो कुछ प्रश्न जो है आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सबका उत्तर तो आएगा नहीं, और अब जो है जिस प्रकार से पेपर इस बार आपने देखा है या देख रहे हैं, तो ये तो पता चल ही गया कि पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि हाथ में 10 में से 5 क्वेश्चन ही पकड़ में आए, तो ये सब चीज तो करनी पड़ेगी। अगला, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य अधिकारिता है, तो निश्चित रूप से जो है न्यायिक समीक्षा का तो अधिकार है ही, कि संविधान के मूल ढांचे से के विपरीत तो नहीं है, मूल भावना संविधान की प्रभावित तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो अधिकारिता है ही, और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का क्या है, संरक्षक है, तो निश्चित रूप से जो है क्यों सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, इसीलिए केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है। तो इसका मतलब है कि 69 का ए और आर दोनों सही हैं, और आर कथन ए की सही व्याख्या है, तो निश्चित रूप से वो सही व्याख्या है, तो 69 का ए। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, सीधा फैक्चुअल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, आपको पता है कि मूल संविधान के बाद काफी अनुच्छेद बढ़ाए गए, आप अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो इतना तो तय है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मूल संविधान में जो लिखा है तो इस तरह 45, 46, 12, 13, 15, लेकिन जो चीज अमेंडमेंट से जो आर्टिकल्स आए संविधान में, जैसे मौलिक कर्तव्य आया, जैसे DPSP में कुछ चीजें बढ़ाई गई, तो जो भी आता है उसे हम क्या देखते हैं कि नंबरिंग सीक्वेंस 395 ही रहे, तो इसके लिए हम देखते हैं ए बी करके लिखते हैं। तो अगर ये आपको ये नहीं पता है कि ये संशोधन से आया कि नहीं आया, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहां तो कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की, तो ये बता रहा है कि संशोधन से आया। अगर कोई संशोधन से आएगा तो निश्चित रूप से वो 38-45 ऐसे लिख करके नहीं आएगा, वो 38A, 38B, 45A, 45C इसी तरीके से आएगा, क्योंकि मूल संविधान में था नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है। तो अगर ये तर्क आपको पता है, ये आर्गुमेंट, देखिए पढ़ने से ही ये सारी चीजें धीरे धीरे आती हैं, इसके लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं, तो ये आपको पता हो जाना चाहिए
कि यही दोनों में उत्तर छिपा है। अब हालांकि आपको उत्तर नहीं पता तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको क्रैक कर लेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि दो में से चार में से दो कर लेंगे, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि चार से भले दो, जहां ऑप्शन टिक करना हो वहां की बात है, नहीं तो ऐसे तो दो से भले चार ही। तो अब दो से आपने क्या कर लिया, चार से आपने क्या कर लिया, इसको दो कर लिया। अब इसमें जो है भगवान राम का नाम लेकर के मार सकते हैं, तो 50% प्रोबेबिलिटी पर आपका उत्तर रहेगा और गलत होगा 33% कट जाएगा, एक तिहाई, ठीक है। तो 71 का हमारा उत्तर होगा डी, ये जो है ध्यान रखिए। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? अब देखिए ये प्रश्न जहां तक मुझे लग रहा है काफी लोगों को जो है नया लगा होगा, क्योंकि पढ़ाने का वो लेवल अब हो ही नहीं पाया, कोई चीजें बताता नहीं। देखिए अभी तक हम मौलिक अधिकार DPSP मौलिक कर्तव्य में वादयोग है वादयोग नहीं है, उसको लेकर अदालत में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, ये सारी बातें जो है हम करते थे। तो ये क्या पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, या लागू किया जा सकता है इट इज इनफोर्सेबल, या लागू नहीं किया जा सकता है इट इज नॉट इनफोर्सेबल, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये भी जो है उसी तरीके से है, गैर न्यायोचित है जिस प्रकार से मौलिक कर्तव्य, जिस प्रकार से DPSP है, ठीक है। तो इसका उत्तर है बी, ये लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको लेकर के आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ये इस तरीके की चीजें हैं कि उसमें क्या लिखा है वो सारी चीजें जो है लागू करवाई। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए एकदम सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिया गया, ठीक है। तो मुख्य जो आर्टिकल्स हैं वो आपको याद कर रखने पड़ेंगे। इसका उत्तर है ए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उसका जो है शीर्षक है, उसका जो है हेडिंग है, ठीक है। तो 73 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो मार्कंडेश्वर मंदिर को जो है ऐसा जाना जाता है। तो 74 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा ए। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडेक्सेस का जो हमारा लेक्चर था उसमें जो है नीति आयोग ने दो इंडेक्स जारी किया था, उसके बारे में हमने बात की थी, और मैंने ये भी बताया था कि इसे दिमाग में जरूर रखिएगा क्योंकि नीति आयोग ने इसे जारी किया है। अब आप लोगों ने पता नहीं जो है उसे देखा या नहीं देखा, अगर देखा हो और अभी मुझे आप सुन रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो जो करंट अफेयर्स जिसने भी पूरा देखा और जितने जो है क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में दिखे वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कर्नाटक शीर्ष पर था और झारखंड सबसे नीचे था, ठीक है, इसकी बात हमने की थी। आगे बढ़ते हैं, तो 77 का आपका उत्तर होगा डी, 77 का उत्तर डी। अगला 78, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक लेखिका हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है बर्नार्डीन इवारिस्तो, ठीक है, डी। तो 78 का उत्तर आपका डी। आगे बढ़ते हैं, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए PV सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो ये जिस प्रकार से अन्य स्पोर्ट्स की स्थिति है भारत में, ये एक मुश्किल भी प्रश्न हो सकता है, हालांकि इसका उत्तर है श्री नोजोमी ओकु हारा। अगला, ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमने इसके बारे में बात की थी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो मांगदेछु विद्युत परियोजना थी, इसकी भी हमने बात की थी। अगला, त्रियाचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेड़ू शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से? अब ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, निश्चित रूप से इसका जवाब जो है शायद 2-5% लोग दे पाए, और जो है ऐसे में ये प्रश्न छोड़े जाने लायक ही था। 81 का जो है उत्तर है सी, ठीक है।
बांस कला। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ये जो है प्रश्न काफी चर्चा में रहा, इसलिए इसका उत्तर आपको जानना चाहिए, और इसका उत्तर है सिक्किम, भारत। तो 82 का उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, भारोत्तोलन। तो इसका उत्तर है 83 का सी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? पेरिस, जेनेवा, दोहा, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया। तो 84 का उत्तर आपका हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। तो अधिक लोग जो है कार्यशील आयु समूह में है तो वो डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो घट रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? तो अब ये जानना चाहते हैं कि आप सभी SDG गोल्स को जो है जानें, तो ये एक मुश्किल प्रश्न हो जाएगा निश्चित रूप से। इसका उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है क्लब ऑफ रोम। 111 का उत्तर है ए, क्लब ऑफ रोम। अगला, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी? तो निश्चित रूप से सामान्य स्थिति बेरोजगारी ही कही जाएगी। तो 112 का आपका उत्तर होगा ए, ठीक है, 112 का आपका उत्तर होगा ए। अगला, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है। तो निश्चित रूप से कंपनी एक्ट 2014 ने कहा कि CSR जो है अनिवार्य होगा, स्वैच्छिक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि यह करने वाला उस समय भारत दुनिया का पहला देश था। उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को आपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1%, यही गलत हो गया, ये 2% है, ठीक है, ये 1% नहीं है, 2% है। तो इसलिए सेकेंड तो गलत हो गया, तो केवल बचा एक सही। तो इसलिए 113 का जो उत्तर सही होगा वो होगा ए। आगे बढ़ते हैं। जीवन की भौतिकी गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? अब ये सूचकांक निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, और इस हिसाब से कठिन प्रश्न है। मोरिस द्वारा ये विकसित किया गया है। तो 114 का आपका उत्तर है ए। अगला, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान है? 2017 में ध्यान दीजिए, तो इसका उत्तर है 100, ठीक है, 100वां स्थान था 2017 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। फिर से मध्यकालीन भारत शुरू हो रहा है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया? जी हां, किया। कारण, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर जो है क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। मुहर काफी प्रसिद्ध थी अकबर के यहाँ। तो ये जो है, अब देखिए ये एक कठिन प्रश्न जो है आपके सामने आ गया। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो है चुनिए। तो देखिए, इसका उत्तर सीधे मैं बताता हूं, ए है
पहले बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध। ठीक है, तो 128 का आपका उत्तर ए है। आगे बढ़ते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हैं, हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो निश्चित रूप से नाथ पंथ से ही आपके जो है हम लोगों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। ठीक है, तो ये लोग हठ पंथ करते हैं, इन लोगों को गुरु मत्स्येन्द्र जी जो है हठ योग का काफी उन्होंने विकास किया। उसके अलावा पूछा जा रहा है कि हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। अब बहुत सारे सोर्सेस में ये पढ़ने में है कि हठ योग को जो है कुछ सूफी संतों ने अपनाया भी था, तो इस हिसाब से इसका उत्तर है सी, एक और दो दोनों। अगला, हालांकि ये बहुत मुश्किल प्रश्न था। ठीक है, और जो है मुख्यमंत्री जी इसी संप्रदाय से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? ठीक है, एकता स्टेट को कहा जा रहा था मध्यकालीन भारत में, तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी निश्चित रूप से। सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, पता नहीं कि था कि नहीं है, लेकिन एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। यहां दो कंट्राडिक्टरी बात हो गई, देख लीजिए। मुक्ति हालांकि इक्तेदार कहा जाता था जो एकता प्रशासन करता था, लेकिन यहां ठीक है, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो जब सुल्तान के पास सीधे पैसा चला जाएगा तो फिर सैनिक वो कहां से रखेगा? निश्चित रूप से नहीं रख सकता जो है, तो ये कंट्राडिक्टरी बात है। इसमें अगर आप दिमाग लगाएं तो ये जो है इसका उत्तर गलत है, सीधा सुल्तान के खाते में जो है ये नहीं जाता था। तो 130 का आपका जो है सी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो किताबें तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन जो है इसमें आप अगर देखें तो आपको ये पता चले कि तुगलक नामा जो है इबन बतूता ने नहीं लिखा है, तो 131 का भी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। इसका काफ़ी जो है विरोध बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया। ठीक है, 132 का आपका उत्तर हो गया बी, 1872। अगला, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पाबना एका संथाल ताना भगत। ठीक है, तो पाबना विद्रोह जो है काफी प्रसिद्ध रहा है, एक बार प्रयास करते हैं। तो पाबना विद्रोह अगर हमें यह पता है कि ए का टू होगा, ठीक है, तो उत्तर हमारा आ गया। तो इसका क्या उत्तर होगा? 133 का बी होगा। अगर ये पाबना हमें पता है कि कब हुआ था तो हमारा उत्तर निकल गया, क्योंकि टू केवल और केवल बी ऑप्शन में है। तो अगर ए का टू होगा तो इसका उत्तर बी होगा। ये इतना आसान प्रश्न था जैसा कि आप अपने सामने जो है देख रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, भारतीय जल सेना अधिनियम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन, सांप्रदायिक निर्णय। तो सांप्रदायिक निर्णय सुमेलित नहीं है, यह 1932 था। ठीक है, हालांकि बहुत नजदीकी विकल्प का प्रश्न जो है हो गया। अगला, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अब इसमें फिरोज शाह की मृत्यु, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु अब कौन जानेगा? निश्चित रूप से कोई नहीं जानेगा कि कब होगा, इतना कोई जो है नहीं पढ़ता है। अब इसमें जो है और घटनाक्रमों को देखें जो है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम शुरू कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है साइमन को हम कर सकते हैं इस तरह से जो है। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई अगर इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मुश्किल है, तो अगर इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद दिमाग लगाइए कि कौन सी घटना कब हुई, तो इसका जो है आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो इन सब घटनाओं में तो जलियांवाला बाग तो पहले हुआ,
ठीक है। तो ऐसे इस पे अगर आप दिमाग लगा लें, अभी टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन लगा लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा, इसका भी उत्तर मिल जाएगा, केवल इसे एकदम आप किनारे कर देंगे तो भी मिल जाएगा। हालांकि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो है पहले हुई थी, तो ए इसका उत्तर है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन आयोग की नियुक्ति और सबसे अंत में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। आगे INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, लाल किला दिल्ली में इन पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। 136 अगला, निम्न दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारन हेस्टिंग काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। कारण आर, वारन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राची विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो 137 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। दोनों राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? नहीं। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया? नहीं। तो न तो एक और न ही दो, तो 138 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? बहुत मुश्किल प्रश्न है, निश्चित रूप से बहुत मुश्किल प्रश्न है, बहुत कम लोग कर पाए होंगे। हालांकि उसका उत्तर है 1976 यानी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 140, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। नियोजित विकास प्लानिंग, योजना आयोग वगैरह सब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बना, तो ये नियोजित विकास के तो विरोधी नहीं रहे होंगे, और इन्हीं के पैटर्न पे इनके परिवार के और लोग भी चले जो है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसमें एक ऑप्शन अलग है, महात्मा गांधी वही ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें कथन एक को ए तथा दूसरे को आर कहा गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ये दोनों सही है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को ही मानता है, ठीक है। तो इसका उत्तर 141 का ए है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। अगला, अलग होने की मात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये मतलब जबरदस्त किस प्रकार का प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। अब ऐसे तो मान लीजिए कोई डिमांड कर ले, लेकिन हर चीज का होता है ना कि एक सैनिक से मान, लेकिन ये चीज थोड़ी होगी कि मतलब जो ये तो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, राष्ट्र को तोड़ने की बात करना राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, तो ये सेकंड तो नहीं ही होगा, ठीक है। तो सही क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो उत्तर 142 का वन होगा। तो 142 का उत्तर आपका हो जाएगा वन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, ठीक। जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित नहीं किया गया है, और इसलिए 143 का उत्तर जो है सी होगा। अगला, भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान में 11वीं सूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं, सी इसका उत्तर होगा 144 का। अगला, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया, तो पीएमओ 1977 में ही आया, ठीक है। उससे पहले प्रधानमंत्री सेक्रेटरिएट होता था, ठीक है। तो पीएमओ 1977 में अस्तित्व में आया और इसका प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव होता है, तो ये दोनों सही है, वन एंड टू, ठीक है। तो वन एंड टू यानी जो है 145 का आपका सही उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका उत्तर है ए, त्रिपुरा, ठीक है। इसका 146 का उत्तर है ए, त्रिपुरा।
आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 बी। और अगला, सितंबर 2019 में, इसकी भी बात हमने की थी इंटरनेशनल इशूज के लेक्चर में, सितंबर 2019 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है, तो मोतिहारी तथा अमलेखगंज, ये नेपाल में है, मोतिहारी बिहार में है। ठीक है, अगला, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया, तो बाकू अजरबैजान में जो सम्मेलन हुआ उसी में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है जयपुर को स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें थी, मुझे यहीं से इजाजत दीजिए, नमस्कार।